असलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 22 भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, जिनका जन्म सन 1939 ईस्वी में हुआ। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। साथ साथ चल रही किरण, निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है, एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी के सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बना लो, ऐसो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है, सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन हमारा व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। प्रस्तुत निबंध में लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि आप चाहे जितना भी धन कमा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो, चाहे तो सोने चांदी के गहनों और आभूषणों से लद जाओ, इन ऐसो आराम की ज़िंदगी में भौतिक सुख तो आपको अवश्य मिलता है, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। चलिए अब हम इस पाठ को विस्तार में समझते हैं। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकुरानी होती है। जब तृष्णाएँ बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी समाप्त होने में देरी नहीं लगती। जब इंसान की ख्वाहिशें बढ़ जाती है तो उसकी अच्छाई को वो भूलने में देर नहीं लगाता है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ पर पवित्रतापूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है, यानी कि कोई भी गलत काम किए बिना जीना किसी भी इंसान का मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंग रखा नहीं चल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चीन की सांस ले सके। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पर हमको पोम्पी नगर के खंडहरों की एक बात की गई है। वहाँ पर जब काम किया जा रहा था उस वक्त एक नर कंकाल प्राप्त होता है। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। अभी नर कंकाल प्राप्त हुआ है, उसके हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी, तो उस मुट्ठी खोलने में काफ़ी मुश्किल होती है, पर जब खोल के देखा जाता है तो उसमें उसके हाथ में सोना रखा हुआ था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। अब देखें यहाँ पर इसी प्रकार इसी शहर का एक व्यापारी जो है वो अपनी अंतिम सांस आखिरी सांस लेते समय तक तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाल रहा और अपने प्राण त्यागने यानी कि मरते दम तक वह खूब मजबूती से उसे हाथ में पकड़ रखी थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी लदी रहती है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए यानी अमीर लोगों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसे दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी लदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई बेहूदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। जो धारावाहिक हमें बताए जाते हैं उसमें घर के भीतर घर के अंदर जो रहती हैं स्त्रियाँ वो गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों से रौब से घूमती हैं और
अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई हमें दिखाई देती हैं और बेहूदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। इनमें भारतीयता का तेल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूलमंत्र हो गया है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब अमीर पैसा कमा रहा है तो उसे और अमीर बनने की तलब लग जाती है, जबकि गरीब जो है वो अपने तन ढकने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। देखें, गरीब जो है वो स्वयं अपना खून पसीना एक कर देता है और मेहनत करता है और पैसा कमाता है, जबकि अमीर जो है वो दूसरों को उल्लू बनाकर पैसा कमाता है। गरीब अपना गहना किसे कहे तो वो सिर्फ उसका स्वाभिमान ही उसका गहना रहा है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है, वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है, अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे कोई क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर करता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब हैं वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि हम अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो म्यूज़ियम वगैरह जो होते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं हम उसको देख नहीं जाते हैं, वहाँ पे जो टिकट वगैरह होता है उसका चार्ज पे करते हैं और वहाँ पर हम देखने जाते हैं। उन चीज़ों को हमें घर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार के अनेक चीज़ें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? भाग्य के सृष्टाओं ने जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का असक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता था। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। वो इतनी जल्दी लिखना पढ़ना इसलिए सीख सका क्योंकि उसमें धगस थी पढ़ाई की। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 सिलिंग जमा करने के लिए खूब जीतोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है तो वह इस पर फिदा हो गया।
और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। देखिए जॉन के बारे में पूरी उसकी बायोग्राफी जो है वो उसको अखबार में छपवा दी जाती है। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम से चेक भेजे, परंतु उसने इन धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए यानी कि स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है, द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है, पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान लगता है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हो वैसा ही भीतर भी दिखाओ। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐसो आराम की ज़िंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों और आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक तुम्हें भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का असली सुख उदारता और त्याग में समाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।